हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन स्टडी, ग्रैब दी नॉलेज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाया आर चैनल। हम करंट अफेयर्स 1 तारीख के 1 नवंबर के लेके आ गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जम्मू और कश्मीर विलय दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 26 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। गाइज, हमें कोशिश करनी है कि 5 सेकंड के अंदर अंदर हम अपना जवाब दे पाएँ। तो गाइज, इसका सही जवाब है 26 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? नागालैंड, गुजरात, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश। तो गाइज, इसका सही जवाब है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने USAID के सहयोग से भारत में वनों के बाहर के पेड़ TOFI कार्यक्रम शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने, असम सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने या गुजरात सरकार ने? तो गाइज, इसका सही जवाब है असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन से देश एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए सहमत हुए हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या जापान। ऑस्ट्रेलिया और जापान या फिर चौथा चीन। तो गाइज, इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के किस देश को 4 साल बाद अपनी ग्रे सूची से हटा दिया है? पहला नेपाल, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान या चौथा भूटान। तो गाइज, इसका सही जवाब है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस देश के साइकिल चालकों ने लेह साइकिलिंग विश्व कप पुरुष और महिला वर्ग जीता? पहला जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा भारत या चौथा जापान। तो गाइस, हाल ही में जर्मनी ने ये पुरुष और महिला वर्ग चैम्पियनशिप जीता है, विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भोपाल में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? पहला अमित शाह, दूसरा हरदीप सिंह पुरी या पीयूष गोयल, किरण रिजिजू। तो गाइस, हाल ही में अमित शाह जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं ने विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप किया? 4 ऑप्शन है हमारे पास, रूस सेना, ब्रिटेन सेना, ब्राज़ील सेना या चौथा अमेरिकी सेना। तो वही, इसका सही जवाब है अमेरिकी सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में ऋषि सुनक को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर इटली। ये बहुचर्चित प्रश्न है जो किसी भी एग्ज़ाम में हाल ही में पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। ऋषि सुनक भारतीय मूल के एक नागरिक हैं जिनको ब्रिटेन के नागरिकता मिली हुई है और वो वहाँ के PM चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश Formula 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स Formula 1 ग्रांड पिक्स 2022 जीता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, मैक्स बरस्तपन, सेबेस्टियन
सेकंड लुइस हैमिल्टन, तीसरा चार्ल्स लेक्लर, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही जवाब है मैक्स वरस्तपन। कल फिर हम इसी टाइम पे आपसे मिलेंगे अपने करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर मोर एजुकेशन स्टडी चैनल।